बिंदास बोले तो ना से नीता और ना से नाजिया, क्या बात है। हाँ तो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मज़ा आ गया मेरा कल की लाइव देखकर नाजिया की। मैं हाथों हाथ नहीं देख पाई क्योंकि मैं मीटिंग में बिजी थी और रात को मैं ट्रेन में, शाम को रात को ही 8:30 बजे हम ट्रेन में बैठ गए। मज़ा आ गया, मैंने कमेंट देखे अपने कमेंट बॉक्स में तो मैंने जाके तुरंत नाजिया की लाइव देखी। लेकिन मुझे अफसोस ये रहा कि हाथों हाथ जो जवाब दिया जाता है ना कमेंट में, वो मज़ा मेरा चला गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा तो बहुत बढ़िया। कहते हैं ना बिंदास बोले तो ना से नीता और ना से नाजिया, और झूठ बोले तो टू झां। समझ गए आप? नहीं समझे? नहीं समझे हमने तो मैंने बोला है ना इसका उल्टा ले लेना, तो झूठ बोले तो वही है जो मैंने बोला है ना, झूठ बोले तो उल्टा सीधा कर लेना उसका, क्योंकि हम सीधा नहीं बोल सकते है ना। हाँ देखिए, झूठा कंटेंट बनाते हैं लोग, झूठा कंटेंट बनाते हैं और सच्चाई के साथ अपना झूठा कंटेंट बना के लोग बोल रहे हैं, और हम सच्चाई के साथ अगर सबूत दिखा रहे हैं और सच्चाई बोल रहे हैं हैं तो उसे झूठ साबित करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो सच्चाई के साथ एक्सपोज हो रहे हैं। गुटखा भिखारन, डिजिटल भिखारन, उसने क्या कहा? बिना नाम लिए तुझे धोखे रख दिया, बिना नाम लिए तुझे धोखे रख दिया, समझे? तू तो नाम लेके बात करती है, जितना झूठ बोलती है। जो वो कह रही थी ना, कसम से तू मेरे सामने आ जा, देख मैं तुझे क्या बताती हूँ, फिर इतनी हिम्मत रखती हूँ मैं, इतनी हिम्मत रखती हूँ, जितनी तू बदतमीज और गंदी औरत है, शीला बाई से भी ज़्यादा गिरी हुई औरत है। शीला बाई को लोग बुरा कहते थे और वो बेशर्मी के साथ फिर उसी तरीके से आ जाती थी वीडियो बनाने, उसी तरह से तू बेशर्मी के साथ आ जाती है। और क्या दिखाएं सबूत जो कह रही मेरी लड़की का बाप दूसरा मेरी लड़की? हाँ सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है जो दिखाई है, समझे? कहती थी ना ये लोग जवाब नहीं देते, जवाब नहीं देते, तेरे मुंह पे आके तमाचा मार के, ऐसे ऐसे करके जो करा है नाचो ने, क्या बात है, क्या बात है, इतनी हंसी आ रही मुझे। हाँ तो गुटका क्यों, हाँ तो गुटका क्यों, समझे? गुटका भिकारन, तो कहती थी ना ये लोग जवाब नहीं देते, जवाब देते, गुटका भिकारन तुझे जवाब दिया, कितनी अच्छी तरह आके, कितनी अच्छी तरह आके तेरे मुंह पे तमाचा मार के बातों का तुझे जवाब दिया। लेकिन तू बेशरम है, तू किसी की बहन को, किसी की बहू को, किसी की माँ को कहती रहेगी और उसे आपा आपा कहती रहेगी, ऐसा हो सकता है ना? नहीं हो सकता। मैंने अपनी वीडियो में कहा था कोई भी लड़की अपनी माँ को, बहन को, अपने भाई को, उसने अपनी कहा ना अपनी लाइफ में, तो कहती रहेगी और उन्हें ऐसे करती रहेगी और उनकी माँ बहनों को कहती रहेगी, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? कल तो कितनी एक्सपोज थी, कैसे बकवास कर रही थी, क्या करेगी बेचारी, क्योंकि उसे बच्चों का भविष्य बनाना है, सोशल मीडिया से अपने बुढ़ापे के लिए भी रखना है कि वो 100 कॉल डालना तो कुछ करेगा नहीं है ना, वो कुछ नहीं करेगा, तुझे ही करना है, क्योंकि तू ऐसे ऐसे लोगों को एक्सपोज करके आई है, तू ऐसे ऐसे लोगों को डोमेस्टिक वायलेंट का केस लगा के आई है तू, अरे क्या करें, फिर उनसे पैसा लेकर आई है तू, समझे? तूने बेटी को बाप से अलग कर दिया, बहुत बड़ी बात है ये, शर्म आनी चाहिए, समझे? अभी बड़ा होने दे, अभी तुझे बड़ा तो होने दे, इन लोग बच्चों को देख, तेरी असलियत हमने खोली, कितनी बड़ी बाप है, बात है कि तूने, कोई तो मर के अलग होता है, तूने जिंदे को अलग कर दिया, बात रही सामने, वो क्यों करेंगे, तूने केस लगा रखा है इन लोगों के ऊपर, क्यों केस लगाया, लगा के फाइनल करके जो आई है तू, जो भी कुछ करके आई है सब तुझे पता है, तू तो बात बात पे बच्चों की कसम खाती है, तू कैसे सच कह देगी, तू तो बड़ी बात नहीं है, जो इनकी बहुत बहुत अमूल्य चीज़ है कुरान शरीफ, तेरा कुछ नहीं पता, तू उसकी भी कसम झूठी खा ले। जी हाँ, तू ना हिंदू है ना मुसलमान, मैं बार बार कहती हूँ, समझे? और बार कह रही मेरी हर एक से नहीं बनती, मेरी किसी किसी से बनती है, तेरी किसी से नहीं बनती, तेरी किसी से नहीं बनती, सुन तेरी किसी से बनती तो तू आज खुद कहती है कि मैं अकेली हूँ, तो तू अकेली ना बैठी होती, समझे? झूठी औरत, बात सुन, एक क्या कहते हैं, एक गरीब औरत, गरीब औरत बताती है, मोबाइल देखे आपने, गरीब औरत के पास मोबाइल देखिए, इसके पास सब कुछ है, ये केवल भीख मांगती है अपने को गरीब दिखाकर, अपने को बेचारी दिखाकर, क्योंकि अगर ये गरीब नहीं दिखाएगी, बेचारी नहीं दिखाएगी, तो लोग भीख कहाँ से देखें, मोबाइल देखें, हमारे पास तो भगवान की कृपा है, लेकिन फिर भी ये एक ही मोबाइल है जिससे वीडियो बनाते हैं, हम नहीं रखते दो दो तीन तीन मोबाइल, क्या करेंगे, बच्चों पे अपने अलग अलग, ये ना मैं लिमिट में बोलती हूँ, तू लिमिट में बोलती है, अरे तू लिमिट में बोलती है, ये तेरा लिमिट में बोलना है, तूने क्या नहीं हदें पार करी हर एक के लिए, तूने सबके लिए हदें पार करी है, तूने जीनी को क्या क्या नहीं कहा, सही कहा, वो एक इतनी मेंटली डिस्टर्ब थी, जिसका घर बर्बाद हो गया हो, जिसकी ज़िंदगी उजड़ गई, तेरी नज़र में ये कुछ नहीं है ना, तू तो दो दो को छोड़ कर आई है ना, तेरी नज़र में ये कुछ नहीं है,
उस लड़की से पूछो जो सही घर की लड़की होती है उससे पूछो, है एक बहुत बड़ी उससे गुजर रही थी तो घर वाले कहते हैं कि कम से कम कहीं डिप्रेशन में ना आ जाए, तो इसलिए तू अपनी ज़िंदगी जी, कोई बात नहीं, घूम फिर हंस खुश रह, इसलिए कहते हैं कि चार जनों से मिलेगी बोलेगी तो उसका माइंड डाइवर्ट होगा। लेकिन तू क्या जानते इस बात को, तो एक छोड़ा दूसरे के साथ, दूसरा छोड़ा तीसरे के साथ, है ना। तो सुन, उन्होंने कल भी कह दिया, परसों भी कह दिया अपनी लाइफ में कि जैसे चाहे जी, कुत्ते हैं ये तो भौंकते हैं, जो समझते हैं वो नहीं भौंकेंगे, जो समझ के भी नहीं समझते हैं वो भोगेंगे। तो हाँ, तो इतना गंदा बोला तूने जीने को, तो लिमिट में बोल दिया तूने, सारी हदें पार कर दी है, छुट्टा सांड और पता नहीं क्या क्या तूने उसे बोला है, आवारा है, क्या कहते हैं, पता नहीं, मेरे पास तो शायद मैं वीडियो देखूंगी तेरी पुरानी, तब तुझे मुझे पता चलेगा। लेकिन फिर भी तूने जो जानते हैं, जो समझते हैं, जो तेरी वीडियो देखते हैं, पता है कि जो सखी सखी कर रही है ना तू, सखी की बात सुन, जो सही इंसान होता है ना, सिंसियर इंसान है, पढ़ा लिखा है, वो तेरे से बात नहीं करेगा, तेरी वीडियो नहीं देखेगा, तेरे साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं देखेगा, जो बिल्कुल यहाँ से भी जीरो है वो ही तेरा देखेगा, वो ही तुझसे संबंध रखेगा, समझे। हाँ, सिंसियर इंसान नहीं रखेगा, वो लड़की जो है ना हिमाचली, सिंसियर लेडी है, समझे, पारिवारिक लेडी है, वो पारिवारिक लेडी सही लेडी तुझसे नहीं रखेगी कोई भी, जो समझ में आएगी, जो देखेगी, जिन्होंने मेरी वीडियो मेरे सब देखा उनकी समझ में आया और सच्चाई सामने लेके आई हूँ मैं तेरी, समझे। बकवास करती है, तूने क्या नहीं बोला, तो लिमिट में बोल दिए, तूने क्या नहीं कहा, और तू तो जवाब मांग रही थी ना, तू जब जवाब मिल गया ना तो तेरे मिर्चे क्यों लग गई, जब जवाब लगा तो तेरे, मैंने कहा ना तेरे मिर्चे लगती यहाँ से, नीचे से, आगे से, पीछे से, सब जगह से तेरे मिर्चे लगती है ना, तो तू बौखला के आती है, इस टाइम तू बौखलाई हुई है, तेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, तू कह रहे ना कि लोग ये कंटेंट पसंद नहीं कर रहे, लोग कंटेंट नहीं, लोग तुझे ही पसंद नहीं कर रहे हैं, समझे। और देख, कह रहे ना मुझे कोई छेड़ता है तो मैं नहीं छोड़ती, तूने छेड़ा, तू उन लोगों को इतने दिनों से छेड़ रही है, तू उन लोगों को सबको कह रही है, उनकी बहुओं को कह रही है, उनकी माँ को कह रही है, उनकी लड़कियों को कह रही है, उनके लड़कों को कह रही है, उनके बाप को कह रही है, तू सबको छेड़ रही है, तू उनके बच्चों को कह रही है, तो तू अगर तुझे कुछ कह दिया तो तू कह रही है तुझे छेड़ा, आदमी कब तक चुप रहेगा, बोलेगा ना बोलेगा, है चल निकल यहाँ से, आई पड़ी यहाँ से। हाँ, अब क्या कह रही है, गले की हड्डी तो तेरे हम बने हुए हैं, ना तुझसे निकली जा रही है, ना तुझसे सट की जा रही है, गले की हड्डी तेरे हम लोग बने हुए, खास तौर से मैं बनी हुई हूँ तुझसे, है। अब कितने प्रूफ दिखाएं, कितने प्रूफ तुझे दिखाएं, जब भी तू बेशरम, तू शीला बाई से ज़्यादा गिरी हुई है, तो आरोप क्या कह रही है, आरोप लगा रहे हैं, डीएनए टेस्ट करा के देना, डीएनए टेस्ट इतनी सही है, हम क्यों कराएं, हम तो बता रहे हैं ना, तुझे अगर सफाई देनी है, तुझे बताना है तो डीएनए टेस्ट करा, नहीं तो है ही नहीं, अरे 101% है भाई, कैसी बात कर रहे हो, 101% है, करा के दे अगर तुझे अपनी सफाई पेश करनी है, तुझे कमाना है सोशल मीडिया से, तुझे बच्चों का भविष्य बनाना है, हैं, तो दिखा डीएनए टेस्ट, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तू सोच रही है 6 महीने 2 महीने साल भर, मैं तेरा पीछा जब तक नहीं छोड़ूंगी, जब तक तुझे ये नहीं कर दूंगी, समझ गई। हाँ, अगर इतनी सच्चाई की देवी है, इतना सब कुछ सच है, प्रूफ दिखा सच्चाई का और डीएनए टेस्ट करा, समझे। और अभी और भी है भाई, बहुत कुछ है मेरे पास, ना कि मैं पहली समझ रही हूँ गैंग है, इसने उतारा है इन्हें बोलने के लिए, हमें किसी ने नहीं उतारा, हम खुद आए हैं तेरी तू जैसी की असलियत निकालने के लिए, क्योंकि हम किसी के कहने से नहीं आते, हमें जो लगता है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझते हैं तेरी असलियत, जैसे शीला बाई की असलियत निकाल के रखी है ना, ऐसे ही तेरी असलियत बिल्कुल निकाल के रखी, लेकिन तू तो शीला बाई से भी ज़्यादा गिरी हुई निकली, समझे। और क्या कह रही है कि नहीं, कि क्या कहते हैं, अरे मेरी उम्र की है, मेरे 2 बच्चे हैं, उसे बच्ची बोल रही है, वो बच्ची है, मेरे उम्र की है तो मेरे तो 2 बच्चे हो गए, तेरे तो 14 साल से कीड़े कुल बुलाने लगे थे तेरे तो 14 साल की उम्र से कीड़े कुल बुलाने लगे थे, तो तेरे तो बच्चे जल्दी होने थे ना, है ना, अगर कोई ज़रूरी थोड़ी है, अरे कोई ज़रूरी, 28 साल की शादी उम्र में मैंने बच्ची की शादी करी है, 29 है, अब बनी है 30 साल की उम्र में माँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है, है पढ़ाने, जब कुछ जरूरी थोड़ी है कि 14 साल की उम्र 15 साल की उम्र में करने लगो, और फिर 16, 18, 19 साल की उम्र में जब बच्चे पैदा हो जाएंगे, 18 साल की उम्र में जब तेरे पैदा हो गई है, वो नाबालिग थी तू, तो 30 साल की उम्र की, अगर तू 29 साल की है तो 10-11 साल का तो बच्चा होगा ही, है, पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, चलो वो तो अजय वो तो पढ़ी लिखी नहीं होगी जी, मेरे हमारे बच्चे तो पढ़े लिखे थे ना, है ना। तो एक बात सुन, तेरे जैसा हर कोई नहीं होता, तेरे 14 साल की 13 साल की उम्र से तेरे कीड़े कुल बुलाने लगे थे, तो बच्चे तो तेरे इस उम्र में बड़े होने ही थे ना, वो है, और तेरी असलियत देख, तू कह रही ना मैं 2 साल से हूँ, मैं तुझे नहीं देखती थी, मैंने कोई तुझे अभी साथ, जब तूने शीला बाई की बनाई एक तो तब देखा मैंने शाम के टाइम में भी तुझे कभी नहीं देखा, मैंने तो तुझे अभी देखा है, अभी देखना जब देख बिफोर 6 मंथ से देखना शुरू करा है, समझे। और देख, एक बात सुन, कमेंट
कह रही थी मैं तो कमेंट का जवाब देती हूँ, जो कमेंट पढ़ती हूँ कमेंट का जवाब देती हूँ, तेरे पास तो वो भी नहीं आते, तेरे पास आते कम हैं, हैं। और देख मैं देती थी ना शीला भाई के कमेंट का जवाब, ये मुझे बिल्कुल मेरी तरह करती थी बात, है ना। और क्योंकि कहीं ना कहीं तू मेरी बातों को फॉलो तो करती है, गुटका क्यों, मैं इतना तो समझती हूँ। और तू कह रही ना मुझे मार, मैं तैयार हूँ फेम के लिए, तो फेम के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी यानी कि कुछ भी कर सकती है, समझे। कोई भी एक बात बताऊँ मैं आप लोगों से, ऑडियंस से कह रही हूँ इस, और अब एक बात सुन लो, ये बहुत बड़ी काम की बात है और दिमाग में सेट करने की बात है, इस औरत से कभी भी फ़ोन पे बात कर मत करना, इसने दिखाया ना ये रिकॉर्डिंग करती है फ़ोन पे बात करती है, तो ध्यान रखना बात मत करना, क्योंकि ये बहुत गिरी हुई औरत है, ये मैंने कहा ना ये शीला बाई से भी ज़्यादा गिरी हुई होती है औरत है, ये रिकॉर्डिंग करती है और ये फिर उसे कुछ नहीं पता उस रिकॉर्डिंग में किसके साथ तुम्हारा सेट कर दे ये बात उस रिकॉर्डिंग को, तो इससे कभी भी फ़ोन पे बात अब कभी मत करना, जो करना सोशल मीडिया पे कमेंट के द्वारा ही करना, इसकी वीडियो में इससे बात मत करना, ये किसी का साथ भी किसी के साथ तुम्हारी वॉइस जोड़ सकती है, जी हाँ। और एक बात सुन, कह रही ना कि क्या कहते हैं, अरे मैं ये वो मैं कहाँ जाऊँगी, अगर मुझे ऐसा होता तो मैं इस आदमी के साथ ही रहती थी, गरीबी में पलती क्या ऐसे रहती क्या, कहाँ जाएगी तू, कहाँ जाएगी चले हुए शरीर को लेकर, हाथ दिखाना अपना जला हुआ ऊपर को करके, दिखा, दिखाती क्यों नहीं है, ये सब जला हुआ है तेरा, ये पूरे शरीर को जले हुए को लेकर कहाँ जाएगी, दो बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी, पड़ेगी रा 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 रा। समझे, जूरा तो बंधा हुआ है, बाल खोल के नमाज पढ़ेगी, रा 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 रा। आई बकवास कर दे, हैं क्या कह रही है, मैं तो थक जाती हूँ, क्योंकि देखिए मैंने नहीं देखा था, मैं इतनी टायर्ड हो गई थी, मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि रोज़ा रखा फिर अफ्तारी बनाई, मैं बहुत थक चुकी थी, तू ही थकती है और लोग नहीं थकते, जो लोग वीडियो बनाते हैं रोज़े के साथ इतनी दिखाते हैं इतना सब कुछ करते हैं, तेरे अंदर ना तेरे कीड़े ना मर चुके, या तेरे शरीर के कीड़े कमज़ोर हो गए हैं, जो तू थक जाती है, जब कुल बुलाए तो तुमने बहुत कुछ करा, अब तेरे शरीर के कीड़े ख़त्म हो चुके हैं, समझे, जी हाँ ख़त्म नहीं सॉरी कमज़ोर पड़ चुके हैं बेचारे, तो तू थक जाती है, लोगों के उम्र के साथ देखिए वो रोज़ा भी रखते हैं, रेसिपी भी बनाते हैं, दिखाते भी हैं, और घर का काम और भी करते हैं, प्रमोशन भी लोगों का करते हैं, वो नहीं थकते, तू ही थकती है ना, तू ही थकती है। अरे तेरी बच्ची डल कैसे हो गई, वो डल बताओ कैसे हो गई, उसने क्या झेला है बचपन में, क्या नहीं झेला उसने बचपन में, जो बच्चा ऐसा जिसकी माँ ऐसा करके आती है ना इधर उधर भागती है ये करती है, उस बच्चे को बड़ा तिरस्कार मिलता है, बड़ा तिरस्कार मिलता है, उसका दिमाग जो है ना, जो बचपन में कहते हैं ना 5 साल तक बच्चे का माइंड जो है 5 साल तक डेवलप करता है, 90% माइंड बच्चे का 5 साल तक डेवलप कर जाता है, आप कहीं भी किसी किताब में उठा के देख लो, और जो बच्चा माइंड में रख लेता है 5 साल तक, वो लाइफ टाइम नहीं निकलता, समझ लीजिए। और वही बात है कि तेरी बच्ची ने जो 5 साल तक झेला है ना, वो उसके माइंड में सेट है, तो वो कहाँ से शार्प होगा, उसके माइंड में वही बातें हैं और वही सहमापन उसके अंदर है, तो एक बात सुन, तो कहाँ से वो शार्प होगी, वो डल ही रहेगी, है ना। और तू तो माइंडेड है ना, तू तो बहुत माइंडेड है, तू तो इस नल्ले को तो अब तुझे झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरी भी अब इनकम नहीं है ज़्यादा यूट्यूब से, है ना। तो हाँ, तो जो आदमी दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद उस गड्ढे में गिरता है, और तू गिर रही है, और तेरा क्या हश्र होगा शायद तुझे भी नहीं पता, आगे आगे देख, आने दे टाइम अभी, और देख तेरा क्या हश्र होगा, जो तूने लोगों के दिल दुखाए हैं ना, तूने लोगों को परेशान किया है ना, तो देख, क्योंकि इतिहास दोहराने के लिए होता है। तो ठीक है, थैंक यू, मैं कहूँगी उन लोगों के लिए जो उसकी वॉट लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम तो लगा ही रहे हैं, हम तो किसी कोई कुछ भी कहे कि उसने दिया उसने दिया, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम तो अकेले ही काफ़ी हैं इस गुटका क्यों के लिए, इस गुटका भिकारण के लिए, इसका मुँह नोच लूँ मेरे सामने आए तो, ये समझे। हाँ तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी सुबह के साथ, और इसकी गुटका क्यों की धज्जियाँ उड़ाने के साथ, ठीक है। मुझे इस बात में लगता है कि ये कितनी मतलब कितनी इतनी एक्सपोज होने के बाद भी कितनी झूठ के साथ और कितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करती है, तो मैं कहती हूँ ना ये शीला बाई, मैंने पहले ही कहा था अपनी वीडियो में कि ये शीला बाई की बहन है, मैंने पहले ही कहा था सेम शीला बाई की बिटो है ये, ठीक है। फिर मिलती हूँ आपको, वीडियो पसंद आए, मैंने कहा कि मेरी जान की टोटीज, कोई बड़ी कोई छोटीज, कोई पतली कोई मोटीज, मेरी जान के टोटे, कोई छोटे कोई बड़े कोई छोटे, कर देना लाइक शेयर कमेंट, होता है फ्री में, कुछ नहीं जाता है मुंडो, कुछ नहीं जाता है कुड़ियों। ओके बाय।